अस्सलाम वालेकुम, मैं मुशाहिद खान और फिर मैं बागपत के उसी गांव में हूँ जिसकी वीडियो मैंने अब से 3-4 महीने पहले बनाई थी। फिरोजपुर गांव है और इस फिरोजपुर गांव में आपने वीडियो में देखा होगा, नहीं देखा तो आप वीडियो में देख लीजिए। तो 7 साल 6 साल से आपने बिल्कुल भी अपने बच्चों को नहीं देखा? मैं 15वीं साल से कुछ नहीं देख सकती। 15 साल से आप कुछ नहीं देख सकती? एक फैमिली थी जो जिसकी जो महिला थी वो नाबीना थी, उनको आंखों से दिखता नहीं था। 2 बच्चे उनके पास, 2 बेटे थे छोटे और उनके जो हस्बैंड थे वो विकलांग थे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अब से 2 दिन पहले उनका देहांत हो गया एक एक्सीडेंट में। बरसात का जो मौसम था, इसी मौसम में वो किसी दीवार से के पास बैठे हुए थे उनका बेटा, और वो दीवार अचानक से गिर गई जिसमें जो इस महिला के शोहर थे उनका देहांत हो गया है। और आज फिर मैं उसी घर में आया हूँ क्योंकि पहले से ही ये घर इतना मजबूर था कि हमने इनकी कोशिश की थी इनके बच्चों के एजुकेशन के लिए कि हम कुछ करें, लेकिन अभी स्कूल नहीं खुले हैं। और आज से इन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मैं लेना पड़ा है कि जो भी खर्चा आएगा। और अचानक से खबर मिली कि जो कमाने वाले थे जिसके थ्रू इनका पूरा घर का खर्चा चलता था या अल्लाह कराता था, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तमाम ये रिश्तेदार हैं उनके जो आए हुए हैं, पहले भी हमने मदद की थी। बहन, ये तुम्हारे भाई की तरफ से कुछ पैसे रख लो, ये 10,000 रुपये हैं। और क्योंकि मुस्लिम रिवाज के हिसाब से मैं अब नहीं दिखा सकता उनको वीडियो में क्योंकि वो इद्दत में है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उनसे बात करूँ, उनका कुछ दर्द हल्का करूँ और कोशिश करेंगे कि हम उनको सपोर्ट करें। ये नाबीना थी बहन और ऊपर से जो शोहर है उनका इंतकाल हो गया, अंदर वो बहन है। पर्दे में बात हो जाएगी, तो आप ही कर लो बस। मैं खुद ही हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ आपसे बात करने की, प्लीज थोड़ा हिम्मत करिएगा आप। आप थोड़ी सी हिम्मत करेंगी तो मैं और बात कर पाऊंगी। क्या बात करूँ? अच्छा ये बताओ कि जब भैया आप सुबह के टाइम गए थे तब किस काम से वहाँ गए थे? झाड़ा लगवाने के लिए गए थे। सुबह ही गए थे, बच्चे को लेके गए थे अपने? जी। अच्छा, 6:30 बजे 6:30 बजे लेके गए थे। फिर आपको कैसे पता चला कि वहाँ ऐसे हो गया, या फिर कैसे कैसे सब रहा वहाँ पे? मैं भी बोल कर गए थे कि चाय बना लो और रोटी बना ले, मैं आ रहा हूँ काम के लिए, काम पे तैयार होकर जाऊँगा। अच्छा जी। और मैंने चाय बनाकर मेज पे रख दी थी, रोटी बनाने लग रही थी, एक रोटी मेरे हाथ पे थी, एक तवे पे थी जी। और मेरी जो ताया से ना घेर वाली भी एकदम भागी हुई आई है कि दिल्ली का नाश हो गया। मैं कह रही ताई क्या हो गया, कह रही दीवार गिर गई। दीवार गिर गई, भागे भागे गई, मैं बेहोश हो गया रास्ते में। फिर बाद में मुझे पता चला कि बहुत ज्यादा चोट है लड़के के भी और उनके भी। मैं कार में को झांकने लगी, मैंने कहा क्या हो गया, कह रही बच्चों का ख्याल कर रखियो, मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ। बस उससे इतनी बात तो ये बाद में बात नहीं हुई मुझसे। मुझे नहीं पता कि कौन से वो शब्द होंगे जिनसे मैं आपको दिलासा दे पाऊंगी, लेकिन अभी बस मैं यही कहूंगी कि जैसे हालात में, जैसे सिचुएशन में भगवान डालता है, हमें उसमें रहना पड़ता है। क्या बचा दीदी, मेरे पास कुछ भी नहीं पता, आंसुओं के सिवा और कुछ नहीं रहा। शायद मैं अपने बच्चों को भी ना पाल सकती, डर लगने लगा मुझे अपने कल से। मैं मानती हूँ इस बात को बिल्कुल। तो जैसा इन्होंने बताया है कि जो बड़ा बेटा है वो 15 अगस्त से एक दिन पहले उसके ऊपर दूध गिर गया था, उससे वो जल भी गया था। और अभी जो छोटा बेटा है, जब ये हादसा हुआ तो उस बेटे के जो फादर थे उनके ऊपर दीवार गिरी, वो उनका तो देहांत हो ही गया। अब जो बेटा है उसको भी चोट लगी है। ये तमाम लोग हैं जो रुकैया के घर पर आए हुए हैं, और मेरे पर्दे के जस्ट पीछे वो हमारी बहन है जो अभी इद्दत में है। इद्दत 4 महीने 10 दिन के एक
पीरियड होता है जिसमें वो किसी गैर मर्द से नहीं मिल सकती, क्योंकि मैं पूछूंगा रुकैया से, रुकैया जी बेटा क्या बोल के गए थे? कुछ नहीं बोल कर गए थे भैया जी, बस खाली ये क्या था, चाय बना लो रोटी बना लो मैं काम पे जाऊंगा, बस उसी के सुबह गए थे वापसी नहीं आई। देखो रुकैया, जिंदगी जो जिंदगी और मौत है ना, उसका जो मालिक है वो अल्लाह है, ठीक है ना? तो घबराना मत इंशाल्लाह, जिस भी हालत में ऊपर वाला रखे उसका शुक्र अदा करना चाहिए। वाकई में मेरा दिल बहुत इस टाइम रो रहा है, तो इंशाल्लाह आप फिक्र ना करो, जो हमसे मदद होगी हम आपको पहुँचाया करेंगे इंशाल्लाह। मेरे दोनों बच्चे, एक जल गया था और एक तबीयत खराब है उनकी, और छोटे वाले की उसके पापा के नीचे दब गए तो वो हड्डी फ्रैक्चर है, वो बीमार है, उससे मैं देखूंगा। बेटा ये 10,000 रुपये हैं, रख लो, ये परेशान मत हो, रो मत, ठीक है ना? पकड़ लिएगा, रोना नहीं इंशाल्लाह, रोने कर दे। देखो इस पे ना तुम्हारा जोर है ना मेरा जोर है, ठीक है ना? अगर इंसान का मौत पर जोर होता वो कभी ना मरता। तो अभी तुम अपने बच्चों का ख्याल रखो, अभी मैंने 2 महीने का राशन दे दिया है, 2 से 2.5 में जीऊंगी कैसे, मैं तो इतना भी नहीं हूँ कि बाहर जाकर मजदूरी कर लूंगी। कोई बात नहीं, जिस तरह से हमने तुम्हारी मदद की है और लोग मदद करेंगे इंशाल्लाह, पूरा गाँव तुम्हारे साथ में खड़ा हुआ है, तुम्हारे भाई बहन तो है ना, हम तुम्हारे साथ में, हमसे जितनी मदद होगी इंशाल्लाह मदद करेंगे, ठीक है? मैं जिम्मेदारी दे के जाऊँगा किसी ना किसी को, कि कम से कम राशन तो वो हर महीने तुम्हें दे दिया जाए, अभी 2 महीने का राशन मैंने पहुँचा दिया है। बेहोश हो गई है वो बात करते करते, तो अभी फ़िलहाल अभी हमने 2 महीने का राशन उनको दे दिया है और 10,000 रुपये दिए हैं। इनका एक बेटा है जो दीवार में दब गया था, मैं उसके पास चलता हूँ, देखता हूँ उसकी हालत कैसी है, और हमसे जो मदद होगी इंशाल्लाह हम हर महीने करते रहेंगे। ये बेटा है, ये भी उसी हादसे में दब गया था, अल्लाह का शुक्र है कि ये पहले से बेहतर है। चोट लगी बेटा इसको, सब पे चोट लगी, आँख पे चोट लगी, अब देख सकते हैं। अच्छा पीछे पीछे सब जगह अंगूठा पूरा कट गया था। अच्छा जी, थोड़ा सा रह गया था ये अंगूठा। अच्छा ये, अच्छा पैर में टांके आए हुए हैं, ये अंगूठा पूरे कट गया था यहाँ से, ये तो मुड़ गई, ऐसे कटा हुआ है नीचे तो बेटा, ये तो मुड़ गई। अच्छा आप पापा के साथ आ रहे थे आप अपने, ये छोटा बच्चा है, इनके 2 बेटे हैं, एक ये है और एक दूसरा बेटा, वो भी जल गया था, वो ठीक है, ये भी जल गया था शायद यहाँ से ना, नहीं बस नहीं, ठीक है ठीक है, ये भी जल गया था लेकिन अब काफ़ी बेटर है। चलिए जो हमसे मदद होगी इंशाल्लाह हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि इनको अकेले ना छोड़ा जाए, और हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि ऐसी जो फैमिली है, ऐसे जो लोग हैं उनकी मदद ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की दुआ कभी खाली नहीं जाती। हमेशा अपने आसपास देखो कि जो ऐसे यतीम बच्चे हैं उनकी मदद ज़रूर करो।